मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं। मेरे देखने वाले चाहने वाले जहाँ रहे आबाद रहे हैं या अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए और उनकी नेक दुआ के साथ हम आज का भी लोग स्टार्ट करते हैं। आज शाम का वक्त है और चाय पी रहे थे, चाय के साथ मेरा दिल कर रहा था केक रस खाने को, तो देखे केक रस भी हैं और दो कप चाय भी है, एक मेरी है एक मेहमान की है। मेहमान का भी दिल कर रहा था खाने का, इस वजह से वो ले आए हैं। और ये देखें हमारा कमरा, कमरे में सामान देखें कैसे है, कुछ सामान उनका पड़ा है और ये वाला सामान जो है ये हम लोगों का पड़ा है। ये देखें सारा सामान ऐसे ही पड़ा है हमारा और उधर भी कुछ पड़ा है, तो वो भी देखें ये उनका ही है कुछ, लेकिन इसके ऊपर जो है ना बैग और ये चीज़ें ये हमारी पड़ी हैं। और अभी सेटिंग नहीं की है कमरे की क्योंकि थकावट ही नहीं उतर रही थी। कल हम लोग वहाँ थे आंटी के घर, तो वहाँ कपड़े धोए थे, उसके थकावट से ना बुखार हो गया था, सर्दी लग रही थी, इस वजह से मैंने अभी सफाई नहीं की थी। तो अब काम शुरू करूँगी अपना दिन के शाम के ट्रेन का, तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखते हैं मैंने कमरा तकरीबन सेट कर दी है, सेटिंग कर दी है यहाँ से सारी। यहाँ पर भी ये देखें टोकरियाँ भी सेट कर दी हैं, बर्तन वगैरह, और ये देखो इसमें भी सामान है क्योंकि मैंने उनको नीचे करके रख दिया सेट करके, उधर से भी सारा सामान समेटी है। बस कपड़े रह गए हैं रखने वाले, वो उनकी जगह पे रखते हैं। पहले मैंने कहा झाड़ू दे देती हूँ, शाम का टाइम है, मैंने खाना भी खाना है और अभी बर्तन भी धोने हैं, तो कहा पहले सफाई कर देती हूँ मैं बाकी लोग काम करूँ। ये मम्मी को देखिए, ये भी मम्मी की पड़ी है और ये भी सामान मम्मी का पड़ा है, बस ये इसमें हमारे कपड़े हैं और ये बिस्तर है। तो इस कमरे का ना दरवाज़ा है ना विंडो है क्योंकि अभी उनका नया नया घर बना हुआ, तो वो ना आहिस्ता आहिस्ता काम करवा रहे हैं। उन्होंने कहा हम एक दो दिन तक ना दरवाज़ा आप लोगों को लगवा देंगे। हमने कहा चलें ठीक है आप लगवा दीजिएगा क्योंकि हम लोग को दोनों को तंगी होती है, हम मैं अभी भी और फिर इधर बाकी और भी रहते हैं आदमी मर्द वगैरह, तो हो वो होता है पर्दा पड़ता है, तो आप हमें दरवाज़ा लगवा दें। उन्होंने कहा जी हम आपको लगवा देंगे एक दो दिन तक। विंडो का तो कोई नहीं, हमने विंडो के आगे पर्दा भी लगा दिया ताकि ज़्यादा पर्दा ना पड़े। यहाँ तक का होता है कि चलें यहाँ चारपाई भी चढ़ती है हमारी साइड भी हो जाती है, तो ज़्यादा इशू नहीं बनता, वरना अगर विंडो का पर्दा ना लगाते तो पर्दा ज़्यादा पड़ता। शीजा ने जो है देखो सफाई करके कितना अच्छा वो कमरा साफ कर दिया, ये देखे बिल्कुल साफ नीट कर दिया बिल्कुल। ये देखो अभी भी झाड़ू लगा रही है। अच्छा इसको टाके बोलते हैं, सही। ये धो रहे हैं बर्तन, काफी सारे हो रहे थे बर्तन, मैंने कहा सफाई हो गई थी सारी कमरे की और अब मैंने कहा बर्तन धो लेती हूँ। मामा ने मुझे लड़के से बाल भर दी है क्योंकि यहाँ मोटर है लेकिन मैं चला नहीं रही उनकी वजह से, तो लड़के से ही काम कर रही हूँ। शीजा ने जो है बर्तनों पे साबुन लगा लिया है, अब वो पानी से धो रही है जो मैंने अभी नलके में भर कर दिया था। अब तो नहीं थके ना, अब तो मैंने भर दिया है। शीजा ने जो है बर्तन धो लिया है, ये देखें अब ये लगाएगी पतीली पे मिट्टी। ये देखो अंडे हमारे उबल गए, ये ठंडे होने के लिए पानी में डाल दिया है। ये है प्याज, ये टमाटर, ये हरी मिर्च और ये मिर्च मसालों का डब्बा। ये उतार के ना इसका पानी फेंगे, पानी गर्म है ना तो आप इसको उतार के फेंगे, फिर मैं इसी में मसाला वगैरह बना लूँगी। और बना क्या रहे हो आज? आलू। प्याज हल्के से ब्राउन हो गई है और यहाँ पे शीजा अंडे छील रही है इतनी जल्दी। हाँ बस अच्छा, ये तो मैं बाद में छीलूंगी अगर आपको जल्दी लग रहा है।
नहीं छील लो, ये है प्याज, उधर ब्राउन होती रहेगी इतना आपका ये अंडे छिल जाएंगे। आप कह रहे थे फ्राई करने का, बस मैंने प्याज डाल दिया तो मैंने अंडे फ्राई नहीं किए। अंडे जो है फ्राई हो गए हैं, जो इसके अंदर आलू थे वो हमने डाल दिया पतीली में। अब इसमें डालने लगे मिर्च मसाले, आलू भी मैंने फ्राई कर लिए थे इसकी वजह से, इसमें बाकी मिर्च मसाले डाल दिए हैं। और अब यानी कि टमाटर और मिर्च डाले हैं, बाकी मिर्च मसाले डाल देंगे। सालन तैयार हो गया है? हाँ जी, अभी दूध डाल के लेकर आई हूँ। ये देखें छोटे पैसे लेकर आए, बाहर तो अंधेरा हो गया था। माशाल्लाह सही हो गया है ना? हाँ जी। इसी के साथ हमारा व्लॉग मुकम्मल हो चुका है प्यारे बहन भाइयों, और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फैमिली मेम्बर से, अपने दोस्तों से। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।